बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सर्दियों के लिए आस्तीन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, जितनी भी टोटल आपकी आस्तीन की लंबाई है उतना आपको कपड़ा लेना है, सिलाई मार्जिन और कटिंग मार्जिन बीच में लेते हुए। आगे की तरफ हमने जिस कपड़े पर डिज़ाइनिंग करनी है वो आपने रखना है 5 इंच। ठीक है, टोटल आपकी जितनी भी आस्तीन की लंबाई है आप उसके मुताबिक ही कपड़ा लेंगे। और यहाँ पे हम कंट्रास्ट फैब्रिक में एक पट्टी अटैच करेंगे इस आस्तीन के साथ। तो इस पट्टी को आस्तीन के साथ हम अटैच करेंगे, तो आस्तीन की उलट साइड पे इस पट्टी को हम अटैच करेंगे और आस्तीन की सीधी साइड पे इस पट्टी को हम पलटाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है। अब बिल्कुल सीधा करेंगे हम इस कपड़े को और इस तरह से इस पट्टी को हम बिठा लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसे पलटा लेंगे आस्तीन की सीधी साइड पे। पट्टी आपको जितनी भी चौड़ी दिखानी है उतना ही आपको कपड़ा फोल्ड करना होगा। ज़्यादा चौड़ी दिखानी है या कम चौड़ी दिखानी है तो यहाँ पे देखिए, मैं इतनी पट्टी फोल्ड करूँगी और इस पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से हम बिल्कुल बराबर रखते हुए इस पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये चौड़ी पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी आस्तीन के साथ। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस आस्तीन को हम इस तरह से बिल्कुल दरमियान करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। आप चाहें तो चौक से सीधा निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी सी बिल्कुल दरमियान में प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने, मैं यहाँ पे अलग कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ठीक तरीके से आप लोगों को दिखा सकूँ, आपने सेम कलर का थ्रेड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स डालनी है उतनी प्लेट्स में डालती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम सिलाई को घुमा देंगे ताकि सिलाई अच्छी तरह से पक्की हो जाए, प्लेट्स खुले ना। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आस्तीन का दूसरा हिस्सा भी हम साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए, राइट साइड मिलाते हुए, दोनों आस्तीन की राइट साइड मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। बिल्कुल बराबर आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम इस तरह से आस्तीन को पलटा देंगे और पीछे वाला कपड़ा दबाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो ये आस्तीन कुछ इस तरह से दिखेगी प्लेट्स डलने के बाद। अब बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे मैं फैब्रिक बटन बना के लगाऊंगी। ठीक है, जिस कलर की हमने पट्टी लगाई है उसी कलर के हम फैब्रिक बटन बना के लगाएंगे। फैब्रिक बटन बनाने का तरीका मैं पहले डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, किस तरीके से हमने फैब्रिक बटन बनाना है वो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं जल्दी में बता रही हूँ। तो ये देखिए, जिस कलर की हमने पट्टी अटैच की है आस्तीन के साथ उसी कलर के हम फैब्रिक बटन बना के लगाएंगे। आप चाहें तो 2 बटन भी लगा सकते हैं, 3 बटन भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 बटन बना के लगाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे बटन मैंने अटैच कर लिए हैं। अब आस्तीन की फ़िटिंग की सिलाई लगाती हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब आस्तीन को पलटा देती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है और कितना आसान तरीका था। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, डिज़ाइन रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।